वेलकम टू अनसोल्व मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम और आप मिलकर बात करेंगे इस सीजन के आखिरी एपिसोड के बारे में, यानी कि सीजन 2 के आखिरी एपिसोड एपिसोड 13 के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको सीजन 3 से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। 13 रीजंस वाई सीजन 3 के इंसिडेंट्स पूरे कनेक्टेड हैं सीजन 2 के लास्ट एपिसोड से, यानी कि इसी एपिसोड से। तो अगर आपको सीजन 3 को अच्छे से समझना है तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं सीजन 3 को बहुत ही जल्द अपने चैनल पर लेके आऊंगा। तो अगर आप नेक्स्ट सीजन को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए करेगी। तो चलिए अब चलते हैं इस सीजन के आखिरी एपिसोड की तरफ। तो अब एपिसोड 13 की स्टार्टिंग ब्रायस वॉकर और जस्टिन के जेल जाने के एक महीने बाद के इंसिडेंट से शुरू होती है, जिसमें ब्रायस वॉकर कोर्ट में जज को अपना स्टेटमेंट देता है। और ब्रायस अपने इस स्टेटमेंट में जेसिका और सब लड़कियों के साथ हुए इंसिडेंट को मेंशन करता है और अपनी करी गई इन सभी गलतियों के लिए जेसिका की फैमिली से माफी मांगता है और लिबर्टी हाई स्कूल के लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस सेट करने के लिए कहता है। अब ब्रायस के कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद अब जेसिका जज को अपना स्टेटमेंट देने के लिए आती है और वो अपने उसी पार्टी वाले नेट के बारे में मेंशन करती हैं, जिस पार्टी को जेसिका ने अपने घर पे होस्ट की थी। और उसी पार्टी वाली नाइट में ब्रायस वॉकर जेसिका का रैप कर लेता है। अब अगले शॉट में हैना जज को अपना स्टेटमेंट देती हैं और हैना भी ब्रायस वॉकर से जुड़े इंसिडेंट्स को मेंशन करती हैं, जिसको हमने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे ब्रायस वॉकर हैना का रैप करता है। अब धीरे धीरे एक एक कर कोर्टनी हैना की मॉम, नैना शेरी, क्ले की मॉम और जेसिका की मॉम और एंड में साइरस की सिस्टर, ये सभी ब्रायस वॉकर के साथ जुड़े अपना स्टेटमेंट देते हैं। अब जज इन सभी के स्टेटमेंट सुनने के बाद ब्रायस वॉकर को सिर्फ 3 महीने के लिए प्रोविजन में डालते हैं। और जेसिका जज का ये डिसीजन सुनकर काफी अपसेट और इमोशनल हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट शॉट में एलएस के डैड डेप्यूटी स्टैंडल माउंट गोंड्री का पुलिस के अंदर एक पर्सनल स्टेटमेंट लेते हैं और वो अपने स्टेटमेंट में माउंट गोंड्री से पूछते हैं कि तुमने एलेक्स, जेसिका, जैक डम्सी और टोनी के साथ जो वेंडलिज्म और धमकियां दी थी वो तुम ही थे। बट माउंट गोंड्री डेप्यूटी स्टैंडल की ये बात मानने से डिनाई करता है और उनको कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन में क्ले की मॉम जस्टिन को जेल से बेल के लिए जज को कहती है, क्योंकि जस्टिन की जेल में आज लास्ट डेट थी। बट जज क्ले की मॉम को कहते हैं, वी विल कीप लुकिंग अंटिल देन ही रिमांडेड। अब जज के ये कहने के बाद बेलर्स फिर से जस्टिन को जेल में ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में टाइलर स्कूल में अपने गुस्से और अकेलेपन के लिए मिस्टर प्रियंका से मिलने के लिए आता है, बिकॉज वो अपने एक्शंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए उनसे एक डायवर्जन प्रोग्राम में जाने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट शॉट में टाइलर काउंसिलर से बात करने के बाद साइरस के सिस्टर के पास जाता है और वो उससे आज रात के प्रोम नाइट के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। बट साइरस की सिस्टर टाइलर को कहती है कि वो आज रात इस प्रोम नाइट के लिए किसी एरिक नाम के लड़के के साथ जाने वाली है। अब टाइलर को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज टाइलर आज रात को मैकेंजी को अपने साथ उसे इस प्रोम नाइट के लिए ले जाने वाला था। अब नेक्स्ट शॉट में हैना के पेरेंट्स प्रिट से हैना के ट्रिब्यूट के लिए चर्च में एक सर्विस मांगते हैं। नाउ ऑन द अदर साइड क्ले क्रिसमोट्स आता है, जहाँ पर हैना और क्ले दोनों एक साथ पार्ट टाइम जॉब करते थे। और अब यहाँ से एक छोटा सा पास्ट का फ्लैशबैक सीन शुरू हो जाता है, जिसमें क्ले हैना के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स को रिवाइंड करता है। अब इन मोमेंट्स के याद आते ही क्ले थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अब प्रेजेंट में क्ले क्रिसमोट्स से निकलने के बाद हैना के बारे में सोचता है। अब तभी इसी बीच हैना वहाँ पर अपीयर हो जाती है। अब क्ले हैना को कल चर्च में होने वाले ट्रिब्यूट के बारे में उसे बताता है। अब नेक्स्ट सीन में हैना के ट्रिब्यूट वाले दिन सब हैना को गुड बाय कहने के लिए चर्च में आते हैं। अब चर्च में हैना को सब गुड बाय कहने के बाद हैना की लाइफ को एक कैफे में सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इन रिमाइंड्स ऑफ हैना मेमोरियल। अब इसी सेलिब्रेशन के बीच में एलेक्स जेसिका को डेट के लिए पूछता है और उसे अपने साथ प्रोम नाइट में चलने के लिए कहता है। तो जेसिका एलेक्स को चलने के लिए हाँ कह देती है। अब इसी बातचीत के बीच में
क्ले की मम जस्टिन की बेल कराकर उसे अपने साथ कैफे में लेके आती हैं। अब जैक जस्टिन को वहाँ देखकर उसे हक कर लेता है। अब नेक्स्ट शॉट में क्ले अपने पेरेंट्स से बातचीत करने के बाद जस्टिन को बताता है, हमारी फैमिली ने ये डिसाइड किया है, वी आर गोइंग टू अडेप्ट यू। अब जस्टिन क्ले की ये बातें सुनकर उसको विश्वास नहीं होता और जस्टिन को लगता है कि क्ले उससे मजाक कर रहा है और वो इमोशनल होकर क्ले के सामने रोने लगता है। अब नेक्स्ट शॉट में हैना की मॉम जाने से पहले वो क्ले के साथ हैना का एक सीक्रेट नोट शेयर करती है, जिसमें हैना के कुछ ड्रीम्स जिनको वो बड़े होकर करना चाहती थी और कुछ फ्रेंड्स के नाम मेंशन होते हैं और उस लिस्ट में क्ले का नाम भी मेंशन होता है और हैना क्ले को प्यार से हेलमेट बुलाती थी। अब क्ले एक बार फिर से हैना की इस लिस्ट को देखकर इमोशनल हो जाता है। नाउ ऑन द अदर साइड इन द स्कूल टाइलर वॉशरूम में अपने हैंड वॉश कर रहा होता है। अब तभी इसी बीच माउंटगोमरी अपने मेंबर्स के साथ उधर आ जाता है और वो टाइलर से दोबारा स्कूल आने के बारे में पूछता है, तो टाइलर माउंटगोमरी को कहता है, आई फिनिश माय प्रोग्राम। अब टाइलर ये कहने के बाद माउंटगोमरी से माफी मांगता है, बट तभी माउंटगोमरी टाइलर को धक्का मार देता है और उसको बुरी तरीके से पीटने लगता है और बेचारा टाइलर कुछ नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट शॉट में हैना के मेमोरियल सेलिब्रेशन के बाद टोनी और उसका बॉयफ्रेंड अपने रिलेशन के बारे में बात करते हैं। अब टोनी का बॉयफ्रेंड उसे अपने साथ कल प्रोम नाइट में चलने के लिए कहता है, तो टोनी उसके साथ चलने के लिए हाँ कह देता है। अब नेक्स्ट शॉट में एलेक्स और जैक दोनों कुछ वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और ये दोनों भी कल के प्रोम नाइट के बारे में बात करते हैं। अब एलेक्स जैक को बताता है कि उसको जेसिका के साथ डांस करना है, बट एलेक्स को डांस करना नहीं आता, तो जैक डम्सी एलेक्स को कुछ डांस मूव सिखाने के लिए उसकी मदद करता है। अब दूसरी तरफ जेसिका की फ्रेंड नैनी क्लब हाउस की उन सभी पोर्ट्रेट्स को जलाने की कोशिश करती है, बिकॉज वो इस क्लब हाउस के इंसिडेंट से काफी डिप्रेशन में चली गई थी। नाउ ऑन द अदर साइड जस्टिन फिर से कुछ इलीगल डिवाइस लेने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपने इस एडिक्शन से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। अब इस एपिसोड में आगे टाइलर के उस इंसिडेंट के बाद टाइलर की मॉम उससे आज उसके दोबारा स्कूल जाने के बारे में पूछती है, तो टाइलर अपनी मॉम को झूठ बोलते हुए उनको कहता है, द स्कूल वॉज गुड। अब टाइलर की मॉम ये सुनकर उसके लिए बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट शॉट में टाइलर बाथरूम में जाकर आज के इंसिडेंट के बारे में सोचकर रोने लगता है क्योंकि माउंटगोमरी ने टाइलर को इंटरनली काफी डैमेज कर दिया था। अब नेक्स्ट सीन में प्रोम डे वाले दिन क्ले और जस्टिन दोनों इस प्रोम के लिए तैयार होते हैं और क्ले जस्टिन को टाई को बांधना सिखाता है। अब नेक्स्ट सीन में जस्टिन क्ले और टोनी ये सभी इस प्रोम नाइट में आ जाते हैं और ये तीनों ही आज के लिए एक्साइटेड होते हैं। ऑन द अदर साइड टाइलर उन सभी से बदला लेने के लिए अपने कुछ गन्स निकालता है। नाउ ऑन द अदर साइड इन द पार्टी जेसिका और एलेक्स दोनों एक साथ इस पार्टी में आते हैं। अब जस्टिन इन दोनों को एक साथ देखकर थोड़ा सा इमोशनल महसूस करता है और जेसिका ये बात नोटिस कर लेती है। अब पार्टी के अंदर सब एक दूसरे से मिलते हैं और इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। अब इस पार्टी के नेक्स्ट सीन में क्ले जैक और जस्टिन को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाता है, तो अब कोर्टनी एलेक्स जैक क्ले जेसिका और साइरस ये सभी एक साथ मिलकर इस पार्टी में डांस करते हैं और अब दूसरी तरफ टाइलर इसी पार्टी में आने की तैयारी करता है उन सभी से बदला लेने के लिए। और अब जस्टिन पार्टी में डांस करने के बाद पानी पीने के लिए जाता है तो तभी उसको उधर ब्रायस वॉकर मिलता है और वो जस्टिन के पास आकर उससे इस पार्टी के बारे में बात करता है, बट तभी क्ले ब्रायस को जस्टिन के पास देख उसके पास आ जाता है जस्टिन की हेल्प करने के लिए, बट ब्रायस वॉकर क्ले को जाने से पहले कहता है, यू आर गुड किड क्ले, और ब्रायस ये कहकर उस पार्टी से चला जाता है। अब इस पार्टी में आगे क्ले साइरस और उससे कुछ दोस्तों के साथ कुछ फोटो शूट करवाता है और तभी उसी बीच इस पार्टी में वही पुराना गाना चल जाता है जिसको हमने सीजन 1 के एपिसोड 7 में सुना था, जिसमें क्ले और हैना दोनों उस पार्टी में एक साथ डांस करते हैं। अब क्ले को उन्हीं मोमेंट्स की याद आ जाती है और वो हैना के साथ बिताए उन मोमेंट्स को याद कर रोने लगता है और टोनी क्ले को रोते देख उसके पास जाता है बिकॉज टोनी को ये बात पता चल गई थी। और अब जेसिका एलेक्स टोनी और जैक ये सभी क्ले के पास आकर उससे गले मिलते हैं और क्ले को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज क्ले बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। अब इस एपिसोड 13 के एंडिंग में टाइलर इन सभी से बदला लेने के लिए स्कूल के बाहर पहुंच जाता है और वो साइरस की सिस्टर को एक थ्रेटन मैसेज करता है और साइरस अब ये मैसेज देखकर काफी डर जाता है और वो क्ले को इस बारे में बताता है
और अब क्ले सभी को टायलर को अंदर आने से रोकने के लिए कहता है, बिकॉज टायलर इस समय काफी डेंजरस था। और अब क्ले जस्टिन को कहता है कि तुम जेसिका को ढूंढो और पुलिस को कॉल मत लगाना। क्ले जस्टिन को ये कहकर टायलर को बाहर संभालने के लिए चले जाता है। और अब दूसरी तरफ स्कूल की बाहर की ओर टायलर अपनी सारी गन्स लोड करता है और टायलर को उसी वक्त क्ले बिल्डिंग की बाहर की ओर आता हुआ दिखता है। और अब क्ले टायलर को ये करने से रोकने की कोशिश करता है, बट टायलर क्ले को अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है, बट क्ले स्टिल टायलर को ये करने से रोकने की कोशिश करता है। अब उसी बीच जेसिका और जस्टिन वहाँ पर आ जाते हैं और वो क्ले को इंटरप्ट कर देते हैं, बट क्ले उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब क्ले फिर से टायलर को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है, यू डोंट हैव टू डू दिस। बट उसी टाइम टायलर को पुलिस के सायरन की आवाज वहाँ पर आ जाती है और अब टायलर गुस्से में क्ले की तरफ गन पॉइंट आउट कर देता है। और अब क्ले डर कर टायलर को कहता है, आई डोंट वॉन्ट यू डाई। और अब क्ले टायलर को आगे समझाता है कि अगर तुमको लगता है कि यही सही रास्ता है जो तुमको तुम्हारे बदला लेने से तुमको चेंज कर देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो अब टायलर क्ले की ये बातें सुनकर क्ले को कहता है, देर इज नथिंग एल्स आई कैन डू। और टायलर ये कहकर क्ले की बात मान लेता है और क्ले धीरे से टायलर से उसकी गन ले लेता है। अब तभी इसी बीच टोनी अपनी कार लेकर वहां पर आ जाता है और वो टायलर को अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है पुलिस के आने से पहले। अब क्ले टायलर को टोनी की कार में बिठाता है और टोनी अपनी कार लेकर उस स्पॉट से चले जाता है। अब टोनी और टायलर के वहां से जाने के बाद जेसिका और जस्टिन क्ले के पास आ जाते हैं और वो उससे इस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, बट क्ले इनको जवाब नहीं देता और क्ले के पास टायलर की गन रह जाती है। और बस सीजन 2 का यह आखिरी एपिसोड यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप 13 रीजंस व्हाई सीजन 3 को मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि सीजन 3 अब पहले और दूसरे सीजन से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो अगर आप सीजन 3 को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं अपने चैनल पर बहुत जल्द 13 रीजंस व्हाई सीजन 3 लेकर आने वाला हूँ।